हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो मेंबर्स है उसके पास क्या राइट्स होने चाहिए, क्या राइट्स है, आपके अधिकार क्या है और आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई आपत्ति आती है तो उसका अधिकार का उपयोग आप कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेंट फ्लैट उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, अपार्टमेंट मेंटेनेंस और एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ से आया वो भी जानना जरूरी है कि लास्ट ईयर एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे कुछ सवाल ऐसे आए थे और उसमें से एक सवाल था कि मेंबर्स के पास क्या राइट्स होने चाहिए और वो राइट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम YouTube पे ऐसा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको जानकारी मिले, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इंडिविजुअली फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले मीन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले ईच मेंबर को ये पता होने चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है। अगर वो अधिकार नहीं पता है तो आपका आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला अधिकार, राइट्स ऑफ इंस्पेक्शंस। राइट ऑफ इंस्पेक्शन का मीनिंग ये है कि ईच एंड एवरी मेंबर के पास राइट्स है कि अकाउंट, अपने सोसाइटी का जो अकाउंट है वो देखने का उसको अधिकार है। जो आप रिस्पेक्टिव ट्रेजरर या तो सेक्रेटरी या चेयरमैन को जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप एप्लीकेशन कीजिए कि मुझे ये आप हिसाब देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट देखने का अधिकार है और वो कोई मना नहीं करता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कुछ कायदे कानून बनाए होंगे कि कौन से टाइम में वो देखना है, वो ऑफिस टाइम या तो जो टाइम दिखाया है कमिटी ने वो टाइम पे आप डिमांड करोगे तो देहवार मीन्स उसको दिखाने जरूरी है और कोई भी मेंबर वो डिमांड कर सकता है। दोस्तों, ये भी चीज़ जरूरी है कि ट्रांजेक्शन होता है मीन्स कुछ लेन देन होती है, उसका हिसाब का जो रजिस्टर है वो भी जानने का हर मेंबर को अधिकार है और कभी भी चाहे जो टाइम स्लॉट में दिखाना पड़ेगा। अगर वो दिखाना नहीं चाहता है, नहीं करता है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड है तो आप एप्लीकेशन सेपरेटली कीजिए कि मैं ये देखना चाहता था, इस तारीख को मैंने एप्लीकेशन किया था लेकिन नहीं हुआ है, उसके बाद भी कुछ आपका नहीं होता है तो यू कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार को आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने हिसाब देखने का मांगा, ये मेरी एप्लीकेशन है लेकिन कमिटी मेंबर मुझे दिखा नहीं सकते हैं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर सुनवाई होगी, उसको बुलाया जाएगा और आप अकाउंट्स देख सकते हैं। दूसरा अधिकार, वॉट्स देने का अधिकार है, राइट्स ऑफ द वॉट। ईच मेंबर को अधिकार है कि वो वॉट कर सकता है। दूसरे एक ये भी क्लैरिफाई मैं कर दूं कि सपोज सोसाइटी में दो फ्लैट है तो सोसाइटी में एक फैमिली के पास दो फ्लैट है तो फ्लैट वाइज उसके पास राइट्स है कि वो वोटिंग कर सकता है। सपोज कि एक फ्लैट हस्बैंड के नाम पे है, एक वाइफ के नाम पे है, या तो एक मदर के नाम पे, एक बेटे के नाम पे है, तो ऐसा नहीं है कि वन फैमिली ओनली वन वोट, वन हाउस वर्सेस वन वोट होता है। इसमें भी डिफॉल्टर भी अगर रिक्वेस्ट कर सकता है, डिफॉल्टर इन द सेंस पांच बार वो AGM में नहीं आया या तो मेंटेनेंस देता नहीं है, उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन करता है तो उसको भी वोट देने का अधिकार है। तीसरा अधिकार, मिनट्स ऑफ मीटिंग, राइट्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, इन द सेंस कि टोटल तीन टाइप की मीटिंग होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, स्पेशल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और तीसरी मीटिंग है कि सिर्फ कमिटी मेंबर मीटिंग करते हैं जो वो कमिटी कुछ ना कुछ डिसाइड करने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए,
तो जितनी भी मीटिंग्स होती है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बाकायदा दर्ज होने चाहिए, इसमें सिग्नेचर ही होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट सपोज कोई मेंबर कुछ कारणवश नहीं आ पाया मीटिंग में, तो उसको ये देखने का अधिकार है कि लास्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग या तो जो भी प्रीवियस कोई भी मीटिंग है उसमें क्या डिस्कशन हुआ था, क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था। तो ये अधिकार भी मेंबर्स के पास है, और कमिटी को जब भी कोई मेंबर चाहता है तो जो भी टाइम स्लॉट है उसमें दिखाना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना पड़ता है। ये सारे तीनों तीन राइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द इंस्पेक्ट, राइट ऑफ द वोट, एंड तीसरा है राइट्स ऑफ द एजीएम का, एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखने का। उसके अलावा अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात निकली है तो इतना है कि कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होनी चाहिए। रजिस्टर होने वाली सोसाइटी, सपोज आपके पास मेंबर कम है, इवन 7 लोग ही मेंबर हैं, तो वो रजिस्टर कर सकता है। इफ यू वांट कि सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, आप अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और डिमांड आएगी तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि हम सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, रजिस्टर सोसाइटी होगी तो क्या होगा कि कायदे कानून बायलॉ सबको मालूम करने पड़ेंगे और इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और सबसे बेस्ट बायलॉस है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बायलॉस। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल, सारे बायलॉस, और बाकायदा इज अ वन ऑफ द बेस्ट जिसमें सारे लोग उसमें मोस्ट ऑफ द बायलॉस यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों आज ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर लिखना है। अगर आपको कोई कंसर्न है तो जैसे हर अपने फ्री उसमें मैसेज कर सकता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।